एक्चुअली फ्यूल सेव करता है जैसे हीरो क्लेम करती है, इसका कोई अल्टरनेट और कुछ हो सकता था। गाड़ी स्टार्ट किया हमने, गाड़ी न्यूट्रल करते हैं, ये देखिए। लेकिन वहीं उनके पास अगर हीरो की बाइक रहती और ये i3s वाली टेक्नोलॉजी रहती, कंपनी क्लेम करती है कि 9% फ्यूल इसमें सेव हो। उसको ऑन करते हैं, देखते हैं बीच में काम करता है क्या। हमें अपने गाड़ी के तेल की बहुत चिंता है। अगर आप हिली वाले एरिया में हो, जहाँ जैसे चढ़ान है, डाउन है, उस जगह पे हो, तो आप न्यूट्रल कैसे करें और इसका ऑप्शन में क्या आ सकता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ इन्फॉर्मेटिव, जो आपको बहुत काम आएगी। और ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे आया, अभी मैं एक रेलवे फाटक पर रुका हुआ था, वहाँ पे मैंने ये सेम चीज़ वहाँ पे देखा कि ये जो टेक्नोलॉजी हीरो में दी हुई है, ये टेक्नोलॉजी अगर उस गाड़ी में होती, जो उस बंदे ने गाड़ी को अपने स्टार्ट करके रखा था, न्यूट्रल पे था उसकी गाड़ी, लेकिन उन्होंने स्टार्ट करके रखा था, उन्होंने बंद नहीं किया था। सो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे पास है हीरो की चाबी और ये हमने इसे लगाया इग्निशन पे। आज इसके बारे में हम जानेंगे ये काम कैसे करती है, कितना यूजफुल है और क्या नहीं यूजफुल है, कितना नहीं यूजफुल है, और ये क्या एक्चुअली फ्यूल सेव करता है, जैसे हीरो क्लेम करती है कि ये आपको फ्यूल को सेव करेगा, तो क्या एक्चुअली फ्यूल सेव करता है या फिर इसका कोई अल्टरनेट और कुछ हो सकता था जो हीरो को देना चाहिए पर उन्होंने नहीं दिया। ये मेरे पास बटन है, ऑन और ऑफ होता है। ये काम कैसे करता है पहले आपको एक डेमो दिखाते हैं। गाड़ी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट किया हमने, ठीक है। क्लच, ये हम आगे गए, ठीक है, थोड़ा आगे गए और अब गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं, जैसे कहीं हम रुक गए गाड़ी का न्यूट्रल करते हैं। गाड़ी न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल हो गया गाड़ी, देखिए यहाँ लाइट जल रहा। गाड़ी खुद ब खुद बंद हुई, मैंने नहीं बंद किया, गाड़ी खुद से बंद हुई। देखिए स्टार्ट कैसे होगा, ये क्लच है, हल्का सा प्रेस करेंगे, ये देखिए फिर खुद बंद हो जाएगी। ये बेसिकली काम इस तरह करती है, i3s है ये। ये क्या है, जब आप गाड़ी से कहीं जाते हैं और कहीं पर रोकते हैं गाड़ी को और न्यूट्रल मारते हैं, जैसे मैंने फाटक में अभी देखा था, वो पल्सर वाले बंदे थे, उनके पास पल्सर था, वो गाड़ी रोक के रखे थे उन्होंने और न्यूट्रल करके रखा था, लेकिन उन्होंने इग्निशन को ऑफ नहीं किया था, वो ऑन ही था, तो गाड़ी उनकी बंद नहीं हुई थी। लेकिन वहीं उनके पास अगर हीरो की बाइक रहती और ये i3s वाली टेक्नोलॉजी रहती, तो उस समय वो गाड़ी खुद ब खुद बंद हो चुकी होती, जैसे अभी बंद हुआ, देखिए फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया, 5 सेकंड रहते हैं, मात्र 5 से 6 सेकंड गाड़ी बंद, ये हो गया। तो इसका वर्किंग यही है कि आप जब चलते हैं रोड पे और कहीं पर रुकते हैं, उसके बाद आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा, गाड़ी को गियर पे नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल करना पड़ेगा, उसके बाद आप रुकेंगे वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ स्टेबल हूँ न्यूट्रल करके, तो यहाँ अपने आप आपको गाड़ी बंद हो जाएगी। i3s का वर्क, ठीक है। ये फीचर बहुत यूजफुल है, जो हीरो के अब हर गाड़ी में आती है, ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपको 9% फ्यूल जो है इसमें बचेगा, काफ़ी है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो हीरो में चलते हैं। हीरो तो अधिकतर वही लेते हैं जिनको टिकाऊ गाड़ी चाहिए, लंबा चलाना है और थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा चाहिए उनको, इसलिए ये सब गाड़ी लेते हैं हीरो की। हीरो की सभी गाड़ियों में लगभग माइलेज बहुत अच्छा है, तो इस तरह का फीचर दिया है कंपनी ने अपने कस्टमर को देखते हुए कि उनका फ्यूल की थोड़ी सेविंग हो जाए। और एक चीज़ है, जब आप दिन में फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, मीन्स रात पर गाड़ी ठंडा हो गया है, बहुत देर से गाड़ी बंद है, ठंडा होने का मीन्स गाड़ी को तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन आप देर से अगर स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो सुबह में क्या होता है कि स्टार्ट किए आप, उसके बाद अभी मैंने जैसे फर्स्ट बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं फर्स्ट बार गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक है, गियर लगाया और ये चला, ठीक, ये गाड़ी रोक दिया, ठीक है,
उसके बाद न्यूट्रल किया, बंद होगी। 5 सेकंड 6 सेकंड इस तरह से गाड़ी बंद होगी। लेकिन जब फर्स्ट दिन में शुरू में आप स्टार्ट करेंगे, मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, रात को जो 8-10 घंटा का पीरियड होता है, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी 30 सेकंड के बाद बंद होती है। वो अपना इंजन को हीट करती है, वो सेंसर पता नहीं क्या लगा हुआ है इसमें, ऑटो सेंस करती है, अपने इंजन को हॉट हीट करती है, देन 30 सेकंड के बाद यह फीचर काम करता है गाड़ी में। अभी तो तुरंत काम कर जा रहा है 5-6 सेकंड में। अब देखिए इसको ऑफ रखेंगे तो ये फीचर्स नहीं काम करेगा, ये जो टेक्नोलॉजी ये नहीं काम करेगी। देखिए नहीं कर रही काम, ये देखिए क्लच में दबा रहा हूँ, नो वर्क। इसको ऑन करेंगे, देखिए स्टार्ट हो गया, ठीक है ऑन। अभी इसको ऑफ कर देंगे, गाड़ी बंद नहीं होगा। आगे करते हैं, ठीक, देखिए और ये ऑफ है, गाड़ी बंद नहीं होगी। इधर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऑफ। अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं बीच में काम करता है क्या। या देखिए टेक्नोलॉजी बीच में भी काम कर रही है, पहले ऑफ था फिर मैंने ऑन कर दिया तुरंत, गाड़ी न्यूट्रल करने के बाद तुरंत ऑन किया तो भी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके जगह पे जो ऑन ऑफ वाली बटन आती है वो भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि इसमें 5 सेकंड आपको रुकना पड़ रहा है, पर जिन्हें खुद नॉलेज है, खुद आइडिया है कि नहीं उन्हें फ्यूल को बचाना है, तो वो क्या करेंगे कि न्यूट्रल मार के या फिर विदाउट न्यूट्रल, सिर्फ क्लच की सहायता से अपना गाड़ी विदाउट न्यूट्रल क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ऑन ऑफ कर देंगे। तो वो भी एक अच्छा फीचर है, ज़रूरी नहीं आई थ्री एस, लेकिन अगर किसी तरह का लापरवाह आदमी, जैसे मैंने आपको बताया अभी, उस तरह का लापरवाह आदमी के लिए ये फीचर ठीक है, पर हमें अपने गाड़ी के तेल की बहुत चिंता है, और क्योंकि उसमें पैसे भी लगते हैं, माइलेज भी घट जाएगा आपका, तो हमारे लिए वो ऑन ऑफ वाली बटन ज़्यादा अच्छी है। जस्ट मैं रुका, जस्ट इसे ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया तुरंत। मुझे ज़्यादा पसंद वही है कि तुरंत आप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हिली वाले एरिया में हो, जहाँ जैसे चढ़ान है, डाउन है, उस जगह पे हो, तो आप न्यूट्रल कैसे करोगे। न्यूट्रल करके भी आपको फ्रंट ब्रेक आपको लेकर रखना पड़ेगा, या बैक ब्रेक आपको दबा कर रखना पड़ेगा। तो हिली एरिया के लिए ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। वो जो मैं फ़ीचर बता रहा हूँ ऑन ऑफ वाली, वो क्या है, गाड़ी आपकी गियर में है तो फिर आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। गाड़ी आपकी गियर में है, इसे ऑफ़ कर दीजिए, गाड़ी आपकी ढरकी की नहीं, आपको पैर को दिक्कत नहीं होगा। ये इस तरह गियर लग गया, गाड़ी रुका हुआ, अपना थोड़ा रेस्ट पोजीशन में है, मेरा पैर को आराम मिल रहा, हाथ को आराम मिल रहा, गियर में लगा हुआ, कोई नुकसान तो इसको हो नहीं रहा, गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा, कुछ नहीं वैसा दिक्कत है। तो मेरे लिए वो फ़ीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट हीरो को लगती है कि ये अच्छी है, लापरवाह लोगों के लिए बहुत अच्छी फ़ीचर है, पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं मैं बताऊँगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह डिटेल्स जानते होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स का वीडियो मैंने नहीं बनाया, सिर्फ इसका थोड़ा नॉलेज दिया और इसका ऑप्शन में क्या आ सकता था उसके बारे में बताया, जिस तरह मैंने बंदे को देखा, इसलिए मुझे आइडिया आया कि वीडियो को बनाया जाए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह के और अच्छे वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें। रेगुलर मैं वीडियो डालता रहता हूँ इस तरह बाइक से रिलेटेड और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।